हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है? दिए गए हैं और उनकी एस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है और पार्ट टू में हमसे बेस स्ट्रेंथ पूछा गया है द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स कौन से होते हमारे पास विच गिव एच पॉजिटिव आइंस इन द सोल्यूशन और बेसिस कौन से होते हमारे पास विच गिव एच नेगेटिव आइंस इन दल्यूशन अब अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है First part का ये ये है हमारे पास। अगर हम देखें, इसे करके, मतलब क्योंकि तो कर, तो H positive को लूज करने के बाद हमारे पास क्या बनाएगा सी एच थ्री नेगेटिव तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ कब शो होगी जब जो हमारे पास ये आयन बना है ये स्टेबल होगा अब स्टेबल कब होगा जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा लेकिन अगर हम इस केस में देखें, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा है अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू अटैच्ड कार्बन तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है उसका प्लस इफेक्ट होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से तो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ऑन ऑक्सीजन गेट इंटेंसिफाई तो चार्ज डिस्पर्स होने की बजाय चार्ज कह रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है दीन्स एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट आयन बिकम्स आयन बिकम्स अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो हमारा सी एच थ्री एच है ये क्या है वीक एसिड है लेकिन हमने ऑर्डर अरेंज करना है तो हम देखेंगे बाद में कि ये कौन से ऑर्डर पे है नेक्स्ट हमें गिवन है एच सी ओ ओ एच सी एच थ्री टू सी ओ एच तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में एच सी ओ ओ एच लगा है इसको एच पॉजिटिव लूज करने के बाद क्या बनेगा एच सी ओ नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा लेकिन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं लगा तो इसका मतलब ये हमारा आयन है वो स्टेबल है लेकिन कम एक्सटेंट तक स्टेबल है सो so, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया मॉडरेट एसिड हो गया या माइल्ड एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है सी एच थ्री सी एच टू एच तो इसमें हमारे पास H पॉजिटिव लूज करने के बाद क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ नेगेटिव अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और बड़ा हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है अब मिथाइल ग्रुप हो चाहे इथाइल ग्रुप को सॉरी इथाइल ग्रुप लगा है अब चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा मतलब इसका जो अ क्या करेगा प्लस शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और आयन को अनस्टेबल करेगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया वीकेस्ट एसिड हो गया क्योंकि इसमें जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो क्या है बड़ा है इसकी वजह से ये हमारा वीकेस्ट एसिड हो गया नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ग्यारे सी सिक्स एच फाइव एंड सी एच टू एफ तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें सी सिक्स एच फाइव सीओ एच की बात हो रही है अब हम कंपेरिजन ही करेंगे और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसमें बात हो रही है सी एच टू एफ सी ओ एच के तो H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये क्या बनेगा सी सिक्स एच फाइव सी ओ नेगेटिव यहाँ पे माइनस एच पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा सी एच टू एफ सी ओ नेगेटिव। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या लगा है फिनाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है हमारा मेन जो है वो है फ्लोरीन। तो अब अगर हम बात करें ये दोनों ही क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है कैसे फिनाइल ग्रुप में जो रिंग है बेंजीन रिंग है ये ड्यू टू माइनस आई एंड माइनस आर माइनसिन ये इलेक्ट्रॉन नेचर विद ड्रॉइंग है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इलेक्ट्रॉन है लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरिन और फिनाइल ग्रुप में से हमारे पास जो फ्लोरिन है वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर पाएगा एज कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप So, इसका मतलब जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनाइल आयन तो जो हमारा सबसे स्ट्रोंग एसिड है वो कौन सा हो गया जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है वो हमारा स्ट्रोंगेस्ट एसिड हो गया नेक्स्ट स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सा हो गया हमारा जिसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है इंक्रीज होता है हमारा और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से आयन अनस्टेबल हो जाता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है तो अगर हम इन्हें अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा बनेगा हमारा सी एच थ्री सी एच टू एच तो हमारे पास सबसे पहले आएगा सी एच थ्री सी एच टू होगा उसके बाद किसका जिसमें एक ग्रुप थ्री था एच सेंटर में कौन सा आएगा जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है एच सी ओ एच और उसके बाद में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फिनाइल वाला सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है हमारा CH2FCOOH, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की सेकेंड पार्ट में पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ तो अगर हमारे पास देखें क्या क्या गिवन है सी एच थ्री गिवन है एन एच टू गिवन है हमारे पास उसके बाद क्या गिवन है ओ OH, एच एंड उसके बाद क्या गिवन है एफ तो जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नेचर ऊपर। अगर तो हमारे इसमें ऑपोजिट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप क्या करेगा यहाँ पे क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो वो क्या करेगा आयन को अनस्टेबल करेगा मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ है जो हमारी डिक्रीज होगी और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी तो अगर हम देखें सी एच थ्री एन एच टू ओ एच और एफ में से तो जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब जिस कंपाउंड में सी एच थ्री लगा होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारे पास अब अगर हम कंपैरिज़न करें एन एच टू ओ एच और एफ में से तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन होता है क्यों क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फोर पॉइंट जीरो उसके बाद हमारे पास ओ OH एच होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स थ्री पॉइंट फाइव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन एंड उसके बाद अमाइन ग्रुप आता है जिसमें नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, है वो ऑलमोस्ट थ्री होती है तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है वो फ्लोरीन है तो सबसे कम बेसिक कौन सा होगा जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा जिसमें OH प्रेजेंट है उसके बाद जिसमें एन प्रेजेंट है और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा जिसमें हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका बेसिक स्ट्रेंथ का सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होप यू अंडरस्टैंड बेस्ट